बात करते हैं सारी संगत का, जिन्होंने जिन्होंने भी अब तक कोई भी थोड़ा सा भी प्रयास, हाँ का नारा भी हमारी रिहाई के लिए मारा है। हमारे वकील साहिबान यहाँ पे खड़े हैं, रोहित जैन जी, ये पिछले 5 साल से लगे हुए हैं किसानों के प्रयास के अंदर, तो सारी संगत का धन्यवाद है। कल का प्रोग्राम है अनाज मंडी के अंदर, तो आपका वहाँ भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे सबका, तो सबको बेनती करते हैं ज्यादा से हमें कल अनाज मंडी में पहुंचे, आगे की रणनीति भी तय करनी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई भी हमने आने वाले टाइम में जीतनी है और कर्जा मुक्ति की लड़ाई भी जीतनी है, तो सबको बेनती है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी में पहुंचे अंबाला शहर। हम हट ही नहीं सकते पीछे, ठीक है ना, लड़ाई नस्लों पे आ चुकी है, ठीक है। आज हमारे बच्चे प्रवास कर रहे हैं कनेडा अमेरिका, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किता मजबूत नहीं, हमें रेट नहीं फसलों के दिए जाते, बेरोजगारी है यहाँ पे, इसलिए कर रहे जा रहे। तो एमएसपी तो अब नस्ल की लड़ाई है, इससे पीछे हटने का सवाल नहीं बनता। और ये जिंद जब किसानी के लेखे लग जाएगी ना, तब पीछे हट जाएंगे, जब तक जिंदा है तो किसानी के लिए लड़ेंगे। बात करते हैं सारी संगत का, जिन्होंने भी अब तक कोई भी थोड़ा सा भी प्रयास, हाँ का नारा भी हमारी रिहाई के लिए मारा है। हमारे वकील साहिबान यहाँ पे खड़े हैं, रोहित जैन जी, ये पिछले 5 साल से लगे हुए हैं किसानों के प्रयास के अंदर, तो सारी संगत का धन्यवाद है। कल का प्रोग्राम है अनाज मंडी के अंदर, तो आपका वहाँ भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे सबका, तो सबको बेनती करते हैं ज्यादा संख्या में कल अनाज मंडी में पहुंचे, आगे की रणनीति भी तय करनी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई भी हमने आने वाले टाइम में जीतनी है और कर्जा मुक्ति की लड़ाई भी जीतनी है, तो सबको बेनती है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी में पहुंचे अंबाला शहर। हम हट ही नहीं सकते पीछे, ठीक है ना, लड़ाई नस्लों पे आ चुकी है, ठीक है। आज हमारे बच्चे प्रवास कर रहे हैं कनेडा अमेरिका, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किता मजबूत नहीं, हमें रेट नहीं फसलों के दिए जाते, बेरोजगारी है यहाँ पे, इसलिए कर रहे जा रहे। तो एमएसपी तो अब नस्ल की लड़ाई है, इससे पीछे हटने का सवाल नहीं बनता। और ये जिंद जब किसानी के लेखे लग जाएगी ना, तब पीछे हट जाएंगे, जब तक जिंदा है तो किसानी के लिए लड़ेंगे। बात करते हैं सारी संगत का, जिन्होंने भी अब तक कोई भी थोड़ा सा भी प्रयास, हाँ का नारा भी हमारी रिहाई के लिए मारा है। हमारे वकील साहिबान यहाँ पे खड़े हैं, रोहित जैन जी, ये पिछले 5 साल से लगे हुए हैं किसानों के प्रयास के अंदर, तो सारी संगत का धन्यवाद है। कल का प्रोग्राम है अनाज मंडी के अंदर, तो आपका वहाँ भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे सबका, तो सबको बेनती करते हैं ज्यादा संख्या में कल अनाज मंडी में पहुंचे, आगे की रणनीति भी तय करनी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई भी हमने आने वाले टाइम में जीतनी है और कर्जा मुक्ति की लड़ाई भी जीतनी है, तो सबको बेनती है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी में पहुंचे अंबाला शहर। हम हट ही नहीं सकते पीछे, ठीक है ना, लड़ाई नस्लों पे आ चुकी है, ठीक है। आज हमारे बच्चे प्रवास कर रहे हैं कनेडा अमेरिका, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किता मजबूत नहीं, हमें रेट नहीं फसलों के दिए जाते, बेरोजगारी है यहाँ पे, इसलिए कर रहे जा रहे। तो एमएसपी तो अब नस्ल की लड़ाई है, इससे पीछे हटने का सवाल नहीं बनता। और ये जिंद जब किसानी के लेखे लग जाएगी ना, तब पीछे हट जाएंगे, जब तक जिंदा है तो किसानी के लिए लड़ेंगे।